Good afternoon, students. Welcome to your Moral Science class. Yesterday we started a chapter, Be a True Friend. I hope आपने वो वीडियो अच्छे से देख लिया होगा. आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है What is True Friendship? What is True Friendship means? सच्ची मित्रता क्या होती है? Friendship without selfishness is called True Friendship. बिना किसी स्वार्थ के जो मित्रता की जाती है, जो दोस्ती की जाती है, उसे ट्रू फ्रेंडशिप कहते हैं, सच्ची मित्रता कहते हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट, लव एंड हेल्पफुलनेस. ये सच्ची मित्रता किस पर बेस करती है, किस पर आधारित होती है? विश्वास, प्यार और एक दूसरे की मदद करने पर. इट ऑल्सो लास्ट लॉन्गर. जो ट्रू फ्रेंडशिप होती है, जो सच्ची मित्रता होती है, ये लंबे समय तक चलती है. On the other hand, और दूसरी तरफ, a friendship based on selfishness cannot last. जो मित्रता स्वार्थ के आधार पर की जाती है, अपने मतलब के लिए की जाती है, ऐसी दोस्ती ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती. True friends can be identified easily. सच्चे मित्र आसानी से पहचाने जा सकते हैं. True friends are always ready to help each other. जो सच्चे मित्र होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं. It is rightly said, a friend in need is a friend indeed. और ये बिल्कुल सही कहा गया है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय मित्र की, दूसरे मित्र की मदद करे. Remember, true friends share your joys and sorrows, but false friends share only your joys. हमेशा इस बात को याद रखो कि जो सच्चा मित्र होता है, वो हमारे खुशी और हमारे दुख दोनों में हमारा साथ देता है, और जो फॉल्स फ्रेंड्स होते हैं, जो गलत दोस्त होते हैं, जो स्वार्थी मित्र होते हैं, वो सिर्फ हमारी खुशियों में हमारे साथ होते हैं, दुख के समय में वो हमेशा हमें छोड़कर चले जाते हैं. Whenever one gets into trouble, they turn their backs. मुसीबत के समय वो आपको अपनी पीठ दिखाकर वहाँ से चले जाएंगे. In our next video, we will read a story about two friends, Aman and Ramu. Till then, stay home, stay safe, goodbye.